बज रही है रागनी कृष्ण और सुदामा के किस्से से। जब सुदामा के घर में टोटा जाता है, ना चाहते वो सुदामा जी अपने बचपन के यार कृष्ण भगवान के पास जाते हैं। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल धमकाने लगते हैं, अरे तेरे जैसे ब्राह्मण रो जाते हैं, कोई यार बताता है, कोई रिश्तेदार बताता है। सजनों, धमका दिया सुदामा को, कहने लगे लगा राजा का दरबार उड़े, तू सहम विवाद करेगा, कृष्ण दोहरा जाके न तू के फरियाद करेगा। धमकाने लगे, सुदामा जी हाथ जोड़ लेते हैं, कहने भाई मेरा बचपन का यार कृष्ण भगवान है, मुझे मिलने दीजिए। एक बात के माध्यम से दादा जगन्नाथ ने एक एक शब्द किस तरह लिखा है, सुनिए रागनी को। जा कृष्ण जी तैनू कह दे, तेरा यार बुलावे से। बाहिरे एक फाटे लते यारा मानस बाहर बुलावे से, ये बाहर बुलावे से। कृष्ण जी से न्यू कह दे, जा कृष्ण जी से न्यू कह दे, तेरा यार बुलावे से। लगते लगते राणा मानस ये बाहर बुलावे से, मेरे बाहर बुलावे से। खातर करके तार बुलावे से, तारा मानस बाहर बुलावे से, जाकर सड़े न्यू कहते। बुलावे से, अरे द्वारपाल तुझे पता नहीं है, एक साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे, एक साथ शिक्षा ली, एक साथ गऊ चराई। दूसरी बात के माध्यम से सजनों, वो सुदामा जी क्या कहने लगे, बदलाया
करते ओ हसबत लाया करते। अरे सारी सच्ची कह दे तेरा, सारी सच्ची कह दे तेरा, दिलदार बुलावे से काटे लत्ते आरा मानस बाहर बुलावे से जाकर सड़ते न्यू कह दे। उसके पास आया हूं, आज मेरे घर में खाने के लिए दाने भी नहीं है। सजनों चौथी बात के माध्यम से दादा ने क्या लिख दिया, बावने आला कोन्या मुंह बावने आला कोन्या। अरे सही जगह पे आया धक्के बावने आला कोन्या, मामूली सा काम मेरा ईसा बावने आला कोन्या। श्री जगन्नाथ दे छोड़ बदी कार बुलावे से फाटे लते आड़ा मानस बाहर बुलावे से